Hello guys and welcome to my channel Skies Decoded. In this video, we'll solve the back question of R.K. Bali's chapter 2, The Earth. So let's get started. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Now we know how to find the difference between two latitudes and two longitudes. So we can further proceed with the question solving. Calculate the D-long between position A, which is 165 degree west, and position B, which is 103 degree west. Aircraft is flying from A to B. So guys, जबी भी हमारे जो coordinates हैं, वो 90 degree से ज़्यादा होते हैं. It means हमारा जो globe है, there are 360 degree longitudes. So हमारा जो globe है, वो after 180 degree, वो turn हो जाता है. इसीलिए ऊपर north है, नीचे south है. Right में east है, और लेफ्ट में वेस्ट है एज अ डायरेक्शन वाइज. बट जब हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे तो हमारा जो लॉन्जिट्यूड जो है वो ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड लेफ्ट में होगा एंड वेस्टर्न लॉन्जिट्यूड हमारे राइट में होगा. सो हमारा जो लॉन्जिट्यूड है पोजीशन ए का वो है 165 डिग्री वेस्ट, जो हम यहाँ प्लॉट करेंगे. अब गाइस आप कंफ्यूजन मत होना कि हमें लॉन्जिट्यूड वाइज प्लॉट करना है या डायरेक्शन वाइज प्लॉट करना, क्योंकि अगर हमें लॉन्जिट्यूड वाइज प्लॉट करना होता तो हमारा 165 डिग्री वेस्ट हमारे राइट में आता, बट हमें डायरेक्शन वाइज प्लॉट करना है. सो 165 डिग्री वेस्ट जो कि हमारा लेफ्ट में है, वो इसी वजह से लेफ्ट में प्लॉट होगा. एंड 103 डिग्री वेस्ट हमारा यहाँ पे आएगा. सो अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका 180 डिग्री से डिफरेंस फाइंड करना है. सो इफ वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 180 डिग्री टू 165 डिग्री, हमारा आंसर होगा 15 डिग्री. एंड अगर हमें फाइंड करना है 103 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच का डिफरेंस, इसका आंसर होगा 77 डिग्री. अब हमें हमारे पास इन दोनों लॉन्जिट्यूड्स का डिफरेंस है विथ रेफरेंस टू 180 डिग्री. सो क्योंकि ये दोनों ही लॉन्जिट्यूड सेम हेमिस्फीयर में, एंड वी नो द रूल दैट इफ टू पॉइंट्स आर ऑन द सेम हेमिस्फीयर वी सब्ट्रैक्ट. सो हम 77 डिग्री माइनस 15 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 62 डिग्री ईस्ट. ये हमारा फाइनल आंसर होगा. सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द डी लॉन्ग बिटवीन ए 165 डिग्री वेस्ट एंड बी 170 डिग्री ईस्ट. एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग फ्रॉम ए टू बी. So, since our coordinate is greater than 90, it is a anti-meridian. So, हम पहले लिखेंगे 180 degree east-west. The directions are north, east, south and west. अब हम plot करेंगे 165 डिग्री वेस्ट एंड 170 डिग्री ईस्ट को. दिस इज आर प्राइम मेरिडियन विच इज 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट.
ये हमारे वेस्टर्न लॉन्जिट्यूड्स हैं, ये ईस्टर्न, बट हमें डायरेक्शन वाइज प्लॉट करना है। तो हमारा 165 डिग्री वेस्ट यहाँ पे आएगा एंड 170 डिग्री ईस्ट यहाँ पे आएगा, बिकॉज ईस्ट इज ऑन राइट साइड। अब हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है विथ रेफरेंस टू 180 डिग्री। सो 180 डिग्री माइनस 165 इज 15 एंड 180 डिग्री माइनस 170 डिग्री ईस्ट इज 10 डिग्री। नाउ वी नो दैट दीज टू कोऑर्डिनेट्स आर ऑन द डिफरेंट हेमिस्फीयर। सो द रूल स्टेट्स दैट इफ टू पॉइंट्स आर ऑन द सेम हेमिस्फीयर वी सब्ट्रैक्ट इट, एंड इफ टू पॉइंट्स आर ऑन द सेम और ऑन द डिफरेंट हेमिस्फीयर वी एड इट। सो वील एड द डिफरेंस 15 डिग्री प्लस 10 डिग्री विच विल गिव अस 25 डिग्री। सिंस द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच इज इन दिस डायरेक्शन, the longitude here is west, so the answer will be 25 degree west. Question 3. The distance around the earth along the equator and around the meridian and anti-meridian is? Option A, exactly the same? No, it is not. Option B, along equator is more. Option C, around the poles, meridian and anti-meridian is more. So, the correct option here is option B, because we know that the polar diameter is 23.5 nautical miles shorter than the equatorial. So, along the equator, the distance is more. So, the correct option here is Bravo. The Earth rotate about its option A polar diameter, option B equatorial diameter, and C sometimes around the polar and sometimes around the equatorial diameter depending upon the season. The correct option here is option A, the polar diameter. Question 5. The cardinal points are? So guys, there are two types of points, cardinal points and quadrantal points. So north, south, east, west, they are known as cardinal points, and northeast, southeast, northwest or southwest, they are known as quadrantal points. So here they are asking about the cardinal points. So the cardinal points are north, west, south, east. So the right option here is option Charlie, which is all the above. Question 6. Gradule is the network of meridians and parallels on. We know that gradule is the combination of latitudes and longitudes together on the globe. So first is option Earth, B map, and C both. So gratitude is plotted on map. So the correct option here is option B, Bravo. Question 7. The maximum difference between geocentric and geodetic latitude occurs at about option A 0 degree north and south,
ऑप्शन बी 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एंड ऑप्शन सी 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. सो वी ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन जियोसेंट्रिक एंड जियोडेटिक लैटिट्यूड इज 11.6 मिनट्स ऑफ आर्क एट 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन चार्ली. क्वेश्चन 8. द रेशियो ऑफ द एलिप्सिटी ऑफ द अर्थ इज 1/297. इफ द मेजर एक्सिस इज 6,956 किलोमीटर एट द इक्वेटर, व्हाट इज द माइनर एक्सिस. सो वी नो द फॉर्मूला दैट कंप्रेशन रेशियो इज मेजर एक्सिस माइनस माइनर एक्सिस डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस. सो हमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू है 1/297. मेजर एक्सिस हमें क्वेश्चन में दिया है विच इज 6,956. माइनर एक्सिस हमें निकालना है. सो विल सब्स्टिट्यूट माइनर एक्सिस एज एक्स डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस 6,956. अब हमें ये जो वैल्यू है जो नीचे है उसे हमें जस्ट शफल करना है. सो 6,956 यहाँ आ जाएगा एंड 6,956 माइनस एक्स विच इज़ मेजर एक्सिस माइनस माइनर एक्सिस ऊपर ही रहेगा एंड द रेशियो कंप्रेशन रेशियो विल कम डाउन ओवर हियर. सो इफ यू डिवाइड 6,956 बाय 297 यू विल गेट 23.4 माइनस एक्स. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनर एक्सिस. सो एक्स यहाँ आ जाएगा एंड विल सिंपली सब्ट्रैक्ट 6,956 माइनस 234 विच विल गिव यू 6,932. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन चार्ली विच इज 6,932 किलोमीटर्स. क्वेश्चन 9. अ ग्रेट सर्कल इज एनी सर्कल ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ हुज रेडियस इज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ. ऑप्शन बी प्लेन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. ऑप्शन सी बोथ. सो वी नो दैट अ ग्रेट सर्कल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द अर्थ एंड वी नो दैट इट्स रेडियस diameter and center is same as that of the earth. So the correct option over here is option A. The shortest distance between any two points on the earth is defined by option A, a straight line joining the two places on a map, option B, the shorter arc of the great circle joining the two places, option C, the rhomb line joining the two places. We know that the shortest distance between any two point on the earth is known as a great circle. So the option here will be option B, which is correct because the shorter arc of a great circle will join the two places. Question 11. A meridian. Option A, semi-great circle. Option B, lines joining places of same latitude. No, because the latitudes are parallel to each other and therefore they are known as parallel of latitude. So this is not the correct option. Option C, semi-great circle joining places of same longitude. So option C is the correct answer.
because a meridian, also known as a longitude, is a semigrade circle and it joins the places of same longitude. Question 12. For measuring the latitude, the datum used is option A, equator, option B, prime meridian, option C, the pole. So for measuring latitude, we take the reference from equator because all the latitudes are parallel to the equatorial plane. And for measuring longitudes, we take the reference as prime meridian. So here the correct option is option A. Question 13. Latitude is expressed in degree, minutes and second to the north or south. Option A, the pole. Option B, the equator. Option C, the Greenwich meridian. So for latitude, we always take reference from the equator. So the option here will be option B, Bravo. Question 14. Place A on 57 degree north, 176 degree west, and place B 60 degree north and 177 degree east. Calculate D long and approximate heading from B to A. So ye question mein hamare jo given latitudes hai wo dono hi different points pe. So hum pehle latitudes banayenge, which is 57 degree north will come over here and 60 degree north hamara yaha aayega. Since jo longitudes hai wo greater than 90 hoga, so yaha pe hamara anti meridian aayega, which is 180 degree east west. हम सबसे पहले डायरेक्शन प्लॉट करेंगे, विच इज नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. एंड क्योंकि ये 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट है, तो हमारे जो लॉन्जिट्यूड्स है वो ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड हमारा लेफ्ट में आएगा एंड वेस्टर्न लॉन्जिट्यूड हमारा राइट में आएगा. अब हम इसे प्लॉट करेंगे. हमारा 176 डिग्री वेस्ट लेफ्ट में आएगा क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट में होता है. हमारा लॉन्जिट्यूड ईस्ट है, बट हमें जो प्लॉटिंग करना है वो डायरेक्शन वाइज करना है, इसलिए हम वेस्ट में करेंगे. एंड 177 डिग्री ईस्ट हमारा राइट में होगा. अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू द 180 डिग्री रेफरेंस. सो 177 माइनस 180 इज इक्वल टू 3 डिग्री एंड 180 डिग्री माइनस 176 डिग्री is 4 degree. अब क्योंकि दोनों ही coordinates जो है वो different hemisphere में, तो हम इसे add करेंगे. So 3 degree plus 4 degree is equals to 7 degree. So हमारा d long जो है वो 7 degree है. And the approximate heading, सो हमारे जो मेन हेडिंग होते हैं वो होता है 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री. एंड जो हमारे लैटिट्यूड्स है वो इधर है, तो हमारा अप्रॉक्सीमेट हेडिंग 130 होगा. इस हिसाब से इट इज़ नॉट एग्जैक्ट, इट इज़ जस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू.
Question 15. The only line on the earth which is both great circle and drum line is option A, meridian, option B, equator, and option C, both. So, equator cuts the hemisphere into two equal parts. So, it is a great circle, and as well as it follows a constant direction. So, the correct option here is option B. Question 16. The datum for measuring longitude is called as option A, the prime meridian, option B, the prime latitude, option C, the equator. So, when you are taking latitude, so the reference which you use is the equator. But for longitudes, the reference which you will use is the prime meridian, which is located at Greenwich in London. Question 17. The maximum latitude can be as much as. So, there are total 180 degree latitude, but if we divide that with reference to the hemisphere, so the northern hemisphere contains 90 degree latitude and southern hemisphere contains 90 degree latitude. So the correct option over here is option A. Question 18. Parallel of latitude and meridians of longitude on the earth can be distinctly identify when map reading? No. Option B, are only imaginary lines and are not marked on the earth. Option C, only global satellite can identify them on the earth. So we know that latitude and longitude both are imaginary lines which we use to find the location of any place on the earth. But in reality, it is not present on our globe. So the correct option over here is option B. Question 19. Point A is 20 degree 30 minutes north and point B is 41 degree 30 minutes south. If an aircraft is traveling from point A and point B, what is the DLAT, which is difference in latitude? So, we know the thumb rule that before solving any question, we have to plot diagram. So, the coordinates of point A is 20 degree 30 minutes north. So, wo yaha pe locate hoga. And coordinates of point B is 41 degree 30 minutes south. And 41 degree 30 minutes south. The middle line over here is equator. Now we know the rule that if both the coordinates are on the different hemisphere, in this case one point A is on the northern hemisphere and point B is on the southern hemisphere. So, we know that if they are on the different hemisphere, we'll add their differences. So, 20 degree 30 minutes plus 41 degree 30 minutes will give you 62 degree. So the correct option for question 19 is option Charlie. Question 20. Earth is a, obviously the answer is planet.